देश में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये लॉकडाउन 3 चरणों में खुलेगा। ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन किया गया है। ये जोन कंटेनमेंट जोन होगा। लॉकडाउन 5.0 का नाम अनलॉक 1 रखा गया है। पूरा देश खोल दिया गया है और लोगों से उम्मीद की गई है कि वो सावधानी के साथ बाहर निकले। आपको बता दें कि 3 चरणों में ये लॉकडाउन खुलेगा। पहला चरण सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। दूसरा चरण स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, ये सब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद ही खोले जाएंगे। तीसरा चरण अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सभी के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आधार पर किया जाएगा। लॉकडाउन 5.0 में लेकिन रियायतें क्या मिलेगी? दरअसल कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट मिलेगी। एक से दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर निर्भर रहेगा। देश भर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं रहेगी और 8 जून से होटल, रेस्तरां और मॉल खोलने की इजाजत मिलेगी। लेकिन इस बीच पाबंदियां क्या रहेंगी? तो दिल्ली मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। विदेश यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दुकानों पर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। फेस मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।